हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. माय नेम इज मनीषा और आज मैं आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट करवाऊंगी. ये जो हमारा टॉपिक है ना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं लाइक एयरफोर्स, जिसमें फिजिक्स का पोर्शन ज़्यादा होता है, तो उसमें क्या होता है कि ये जो क्वेश्चंस है ना इस टॉपिक में से, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, इसको ना छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं कि बाद में देख लेंगे या फिर इतना इंपॉर्टेंस इसका है नहीं तो क्यों इसको किया जाए, ठीक है. लेकिन ये जो टॉपिक है ना, ये छोटा है उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्कोरिंग है. अगर आप इस टॉपिक को अपने 1 आवर 2 आवर्स मैक्स टू मैक्स बहुत अच्छे से देते हैं, इफेक्टिवली पढ़ते हैं, तो इसमें से 2-3 क्वेश्चंस जितने भी आते हैं तो वो क्वेश्चंस आप इजीली इसमें से निकाल सकते हैं. सो आज मैं टॉपिक आपको इसी तरीके से एकदम बेसिक से लेके पूरा इसको कंप्लीट करने वाली हूँ. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा. नाउ देखिए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट होता क्या है, या यूनिट्स एंड डायमेंशंस. हिंदी में यूनिट्स को मात्रक कहते हैं, डायमेंशंस को विमाई कहते हैं. तो यूनिट्स एक अलग टॉपिक है और डायमेंशंस इसकी अलग टॉपिक है. आज मैं आपको जो स्टार्ट करवाऊंगी वो है यूनिट्स, जिसको हिंदी में हम मात्रक कहते हैं. अब ये जो है ना यूनिट्स मात्रक क्या है, जैसे कि क्या है कि फिजिक्स ना, सब ने ये चीज पढ़ी है कि फिजिक्स इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन, मेजरमेंट, ठीक है. तो जब हम किसी चीज को कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, फैक्ट्स को पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है हाँ ये फिजिक्स से रिलेटेड है, या इस तरीके से हम उसको पढ़ते हैं. बट गाइस, जब भी हम मेजरमेंट की बात करते हैं ना, तो ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हर चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल इमोशंस हैं, ठीक है, उनको आप मेजर नहीं कर सकते, लाइक लव, हेट्रेड और एंग्रीनेस. ये क्या है, ये इमोशंस, आप इनको कैलकुलेट नहीं कर सकते. आप किसी के लिए इसको अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे तो आप बहुत या थोड़ा या ऐसे कुछ वर्ड्स का यूज़ करेंगे. तो जब हम बहुत या थोड़ा कुछ ऐसे टाइप के वर्ड्स का यूज़ करते हैं, तो उसमें बिल्कुल भी ये मेंशन नहीं होता है कि हाँ हम एक पर्टिकुलर अमाउंट बता रहे हैं या क्वांटिटी बता रहे हैं. तो इसलिए जो हमारी फिजिक्स है, इसमें एक टॉपिक डाला गया जस्ट फिजिकल यूनिट्स या फिजिकल क्वांटिटीज. ये वो क्वांटिटीज होती है जिनको मेजर किया जा सकता है, क्योंकि हम फिजिक्स को मेजरमेंट में पढ़ते हैं. फिजिक्स है ही मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशंस है, फैक्ट्स है, थ्योरीज है. तो उस अकॉर्डिंग ये एक टॉपिक बना, फिजिकल क्वांटिटीज. नाउ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज को हम भौतिक मात्रक कहते हैं या भौतिक राशि भी कह सकते हैं. तो इसमें क्या होता है कि जिन क्वांटिटीज को मेजर किया जा सके, जिसको मापा जा सके, जिसका आप एग्जैक्ट अमाउंट निकाल सकते हैं, उनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज. नाउ अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी इन अ फिजिक्स दैट कैन बी मेजर्ड. अब जिसको नापा जा सकता है, उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है, मास, द्रव्यमान, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट. मीन्स कि द्रव्यमान हो गया, लेंथ मतलब टाइम, लेंथ मतलब लंबाई हो गई किसी चीज की, टाइम का मतलब टाइम जो होता है वो समय होता है, हम इसको सेकेंड्स में, आवर्स में, मिनट्स में कैलकुलेट करते हैं. टेम्परेचर हो गया किसी चीज का तापमान, इलेक्ट्रिक करंट किसी की विद्युत धारा, ये सारी चीजें क्या है, इनको हम माप सकते हैं. तो इन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज में ही डालते हैं. अब जो फिजिकल क्वांटिटीज है, मतलब कि कोई भौतिक राशि है, तो उसकी ना यूनिट आती है. यूनिट क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि यूनिट हमारे आप में कोई भी हमें नंबर दे रखा है, न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, तो यूनिट होने की वजह से हमें उसकी पूरी स्टेटमेंट मिल जाती है, हमें उसको पूरा एक्सप्रेस नहीं करना पड़ता. फॉर एग्जांपल, एज यू कैन सी, देखिए यूनिट्स के लिए ना एक फॉर्मूला होता है, क्यू इज इक्वल टू एन यू. अब क्यू इज इक्वल टू एन यू में क्या है, क्यू हमारे पास क्वांटिटी है, एन नंबर होता है किसी भी चीज का, और यू उसकी यूनिट होती है. अब एग्जांपल देखिए, यहाँ पे जैसे 10 सेंटीमीटर, 2 लीटर्स, 10 kg, ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं. नाउ यू कैन सी कि 10 सेंटीमीटर अगर मैंने लिखा है, तो ये जो 10 है ना, ये तो नंबर हो गया, और सेंटीमीटर क्या हो गया, इसकी यूनिट हो गई. अब यहाँ पे सेंटीमीटर हो या फिर मीटर हो, तो हमें ये पता है कि यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है, लेंथ को, लंबाई को मापा जा रहा है. तो ये जो यूनिट है सेंटीमीटर मीटर, इससे हमें ये चीज पता चल गई. आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है. इसके बाद में जैसे 2 लीटर्स है, अब 2 लीटर्स है, आपको पता है कि जो एल है ना, ये लीटर का सिंबल होता है, और ये लिक्विड्स या फ्लूइड्स के लिए हम यूज करते हैं. तो कोई भी द्रव चीज है, कोई भी द्रव है, तो उसमें हम जब लिक्विड यूज करते हैं तो उसमें एल लिखा आता है. तो इसका मतलब है कि जो 2 लीटर जो मैंने मेजरमेंट दिए या जो चीज अमाउंट मैंने इसमें बताया, इसका मतलब यहाँ पे किसी लिक्विड चीज की मैं बात कर रही हूँ. उसके अलावा केजी है, ग्राम से, तो हमें पता है उसमें मास को, भार को, वेट को, द्रव्यमान को, इन सब चीजों को क्या है, इसमें मेजर किया जाता है. तो यूनिट होने से हमारे पास ये प्लस पॉइंट हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि जो हमें चीज दे रखी है या जो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, उसका क्या मतलब है और वो उसका क्या यूज है. आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी. इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, देखिए यूनिट क्या होती है. जो मैंने यहाँ पे बोला Q इज इक्वल टू एन यू, ये फॉर्मूला है हमारे पास, Q इज इक्वल टू एन यू, हियर यू इज यूनिट. तो ये यूनिट होती क्या है,
तो यूनिट क्या है, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। आप कह सकते हैं जैसे कि यहाँ पे देखिए 10 सेंटीमीटर है, अब इस सेंटीमीटर की वजह से इस 10 को अपने आप ही आइडेंटिफिकेशन मिल गई कि हाँ यहाँ पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, मास की बात कर रहे हैं, लिक्विड की बात कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं। तो ये जो सेंटीमीटर वर्ड यहाँ पे है ना, इससे आपको ये चीज पता चल गई। इसके बाद में यूनिट इज अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट। अब जो यूनिट है ना उसको स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्यों कहते हैं, अब इसका एग्जाम्पल है, देखिए जैसे कि यह 1 meter इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 kilometer इज इक्वल टू 1000 meter, ठीक है। इस टाइप से क्या होता है, ये जो वैल्यूज है लाइक ये जो 1 meter है इज इक्वल टू 100 centimeter, तो अब हमें ये पता है कि 1 meter लिखे चाहे 100 centimeter लिखे बात एक ही है, क्योंकि 1 meter का मतलब ही हो गया कि इसके अंदर 100 units ऑफ सेंटीमीटर, मतलब कि ये उसको कंसिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट कहा जाता है कि इसके बाद में आपको, आप इसको शॉर्ट में भी लिखते हैं या इसको आप एक्सप्लेन करके लिखते हैं, तो दोनों का जो मीनिंग है वो क्या निकलता है, सेम निकलता है। यू कैन से मात्रक एक मानक माप है, ठीक है। कोई भी चीज आप उसको मेजर कर रहे हैं तो उसकी एक प्रॉपर यूनिट है, प्रॉपर मात्रक होता है जो हमें फिजिकल क्वांटिटीज में हेल्प करता है। जब हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि आई तभी वहां से हमारे लिए यूनिट वर्ड जनरेट हुआ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सबसे आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद में जो ये मैं यूनिट वर्ड बार बार बोले जा रही हूँ, इसका क्या यूज होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, कैसे हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, कैसे जब हम फिजिक्स करते हैं या फिर मैथ्स में न्यूमेरिकल्स करते हैं या फिर कोई चीज की मेजरमेंट करते हैं, क्वांटिटी लेते हैं, तो उस टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें आज मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगी। जैसे कि यहाँ पे आपको 3 प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है एंड ये हो गई थर्ड। अब देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है कि दे आर रिप्रोड्यूसेबल, जो यूनिट्स हैं उनको क्या होना चाहिए, रिप्रोड्यूसेबल होनी चाहिए। रिप्रोड्यूसेबल का मतलब होता है जैसे कि इतने सारे लोगों की पॉपुलेशन है, ठीक है, इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज, अमेरिका, लंदन, सब कंट्रीज में क्या होता है, बहुत सारे चीज़ों के लिए हम यूनिट्स को यूज़ करते हैं। मेजरमेंट हर जगह ज़रूरी है। आप कोई भी सामान लेने जा रहे हैं आप उसको मेजर करके लेते हैं, ठीक है, सब्जी खरीदने जा रहे हैं उसको केजी या ग्राम्स में, जो जैसे भी आप इसको लेंगे तो आप इसको तुलवा के लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ों के लिए हमारे पास मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिप्रोड्यूसेबल का मतलब क्या होता है कि जो आपने एक पर्टिकुलर जो वेट डिसाइड कर दिया किसी चीज का, जैसे कि 1 kg का बार है या 2 kg का बार है जो सब्जी लेते हैं नॉर्मली, उसमें क्या होता है, तो ये रिप्रोड्यूसेबल होनी चाहिए कि अगर आपने कोई वेट के लिए मेजरमेंट डिवाइस बनाया तो वो अगर किसी और कंट्री में बना रहे हैं तो उसको बनाया जा सके। ऐसा नहीं हो सकता ना कि हमारे इंडिया में कोई चीज बनी है तो हम उसको बना बना के, और फिर कितना लिमिट में, ये जो चीजें होती है ना ये लिमिट में नहीं होती है, बहुत ज्यादा एक्सेस में चाहिए होती है, तो आप हर जगह इसको नहीं पहुंचा सकते। तो इसको रिप्रोड्यूसेबल होना चाहिए कि अगर कोई और इसको रेप्लिकेट कर रहा है या इसको बना रहा है तो वो उसके लिए इजी हो जाए। उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें आता है ये कि ये प्रॉपर साइज में होना चाहिए। प्रॉपर साइज का क्या मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप सब्जी लेते हैं तो उस टाइम पे क्या है, आप तुलवाते हैं उसको, ठीक है, या फिर जो वेइंग मशीन होती है तो इनमें क्या होता है, जो वेट के बार्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। फिक्स का मतलब जैसे अगर सपोज 1 kg है तो वो इतना होगा या फिर इससे थोड़ा छोटा या ज्यादा बड़ा, तो वो क्या होता है, ऐसा होना चाहिए कि आप उसको इजिली कैरी कर सके, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जा सके। अब वेट इतना हैवी हो जाएगा जिसमें आपको वेट को मेजर करना है, वो डिवाइस, वो इंस्ट्रूमेंट इतना हैवी हो जाएगा, आप उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस नहीं ले जा सकते, तो आपके किसी यूज का नहीं होगा। सो इसमें 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट है दे आर रिप्रोड्यूसेबल एंड सेकेंड इट शुड बी प्रॉपर इन साइज, तो ये प्रॉपर साइज में भी होनी चाहिए, उसके अलावा ये रिप्रोड्यूसेबल होनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये कि जो यूनिट्स हैं, जो हमने यूनिट्स इसमें ली, इसमें क्या है, ये टाइम, टेम्परेचर या फिर कोई भी फिजिकल कंडीशन होती है उसके साथ में ये चेंज नहीं होनी चाहिए। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि सपोज हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे क्या है, समर्स में, विंटर्स का, ऑटम्स का, ऐसे सीजन्स, क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है। कई ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, अफ्रीका साइड में आप चले जाए वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है, अमेरिका, लंदन, जो ये जगह है यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता है, यहाँ पे ठंडा होता है। और कई ऐसे एरियाज भी होते हैं जहाँ पे बिल्कुल ही टेम्परेचर माइनस में होता है, सिर्फ आइस होती है। तो ऐसी जगह पे अगर हमने कोई वेट लिया है तो एक प्लेस पे हम उसके अकॉर्डिंग बना नहीं सकते। अब ऐसा नहीं कि कोई चीज इंडिया में ऐसा वेट मेजरमेंट का डिवाइस बना है तो वो आप बाहर किसी कंट्री में लेके जा रहे हैं तो वहां पे उसका साइज चेंज हो जाए क्योंकि वहां पे टेम्परेचर चेंज हो गया। तो टेम्परेचर का या फिर टाइम का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए,
उसके अलावा कोई भी फिजिकल कंडीशन जो बाहर से कोई भी कंडीशन है, लाइक प्रेशर है, टेम्परेचर है, ये कोई भी चीजें क्या है, इसमें अगर वेरिएशन आती है इस पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट है वो आपके पास 3 है, मेन टाइप जो है वो 3 है। फर्स्ट, दे शुड बी प्रॉपर इन साइज, की उसका साइज प्रॉपर होना चाहिए। दे आर रिप्रोड्यूसेबल, उनको रिप्रोड्यूसेबल होना चाहिए। उसके अलावा इनमें कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए टाइम टेम्परेचर, जो यूनिट्स है उसमें टाइम टेम्परेचर या कोई भी फिजिकल कंडीशन है उसकी वजह से इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, फिजिकल क्वांटिटी वो जिसको हम खुद से मेजर, जिसको मेजर किया जा सकता है, ठीक है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी होती है, भौतिक राशि होती है। फॉर एग्जाम्पल लेंथ है। अब जो लेंथ है, जैसे इसको, इसका जो इसको लिखते हैं एल से, अब आपको पता है कि इसको जब मेजर करेंगे, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिया था या फिर 2 मीटर, कुछ भी आप ले चाहे मीटर या सेंटीमीटर, तो अब आपको ये पता है कि आप यहाँ पे क्या है, लेंथ को मेजर कर पा रहे हैं। तो लेंथ क्या होगी आपकी, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। अब जो इसमें 10 सेंटीमीटर या जो मीटर है कि इतने मीटर है ये लेंथ या इतने सेंटीमीटर है, तो जो ये मीटर और सेंटीमीटर है ये इसकी यूनिट है। तो अब जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, उसमें क्या होता है, टाइप्स होते हैं फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि के ना, दो टाइप्स है हमारे पास, फंडामेंटल और डिराइव्ड। ऐसे ही जो हमारे पास यूनिट्स है उनके भी दो टाइप्स हो जाएंगे, क्योंकि जो फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी किसी भी चीज की क्वांटिटी है या फिर उसकी यूनिट है, वो दोनों एक दूसरे में क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं। अब मैंने आपको क्वांटिटी बता दी लेंथ, लेकिन जब आप उसको लिखते हैं 10 सेंटीमीटर या मीटर, तो उस टाइप में आपने सेंटीमीटर या मीटर वर्ड को यूज किया, तो वो क्या हो गई, उसकी यूनिट हो गई। तो इसलिए ये दोनों चीजें एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं। तो ऐसे ही हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप्स आते हैं, फर्स्ट है फंडामेंटल एंड सेकेंड वन इज डिराइव्ड। जो भौतिक राशि दो टाइप से होती है, एक तो होता है मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। अब इसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसमें क्या होता है, नंबर फिक्स होता है, क्योंकि ये ऐसी क्वांटिटीज हैं या ऐसी यूनिट्स हैं, ऐसे मात्रक होते हैं जो किसी और चीज पे डिपेंड नहीं होते, अपने आप में ही ये क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। इनका मान या इनकी जो कैलकुलेशन होती है उसके लिए हमें किसी और यूनिट की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये अपने आप में क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको ये चौक है, इसकी लेंथ को अगर आपको मेजर करना है, इस चौक की लेंथ को, या आपको अपने हाथ की फिंगर को मेजर करना है, या फिर पेन को मेजर करना है, डस्टर को, किसी भी चीज को आपको मेजर करना है, तो आप क्या करेंगे, एक स्केल उठाएंगे, उसमें मेजरमेंट इजीली कर लेंगे। लेकिन वहीं अगर मैं बोलूं आपको किसी चीज की स्पीड कैलकुलेट करनी है, किसी का वॉल्यूम बताना है, तो उस टाइम पे क्या होता है, आप इनको डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको और क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। सो जो फंडामेंटल और डिराइव्ड है, इनमें यही बेसिक डिफरेंस होता है। सबसे पहली चीज आती है फंडामेंटल, मतलब कि मूल मात्रक। इसका कुछ एग्जाम्पल है, देखिए जैसे मास है, टाइम है और टेम्परेचर है। मास का मतलब होता है कि किसी चीज का द्रव्यमान, टाइम मतलब कि समय हो गया, टेम्परेचर मतलब उस चीज का तापमान मेजर करने के लिए। तो ये जो क्वांटिटीज है ये किसी और चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, अपने आप में ही इंडिपेंडेंट होती है और अपने आप में कंप्लीट होती है। उसके बाद में डिराइव क्वांटिटीज या डिराइव यूनिट्स क्या होती है, जो कि व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। इसमें क्या एग्जाम्पल है, जैसे एरिया है, वॉल्यूम है, स्पीड है, इसका मतलब जैसे क्षेत्रफल किसी चीज का, आयतन, चाल या फिर गति, ये क्या होते हैं, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं होते। फॉर एग्जांपल आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है किसी भी चीज की, तो आपको स्पीड का फॉर्मूला पता है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड का मतलब चाल या गति आपको कैलकुलेट करनी आ जाए, तो डिस्टेंस क्या होती है, दूरी होती है, और टाइम क्या होता है, समय होता है, ठीक है। तो जो टाइम होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट हम लेते हैं, टाइम को हमेशा हम सेकंड्स में मेजर करेंगे। उसके अलावा जो डिस्टेंस है या दूरी है, उसको आपने किस में मेजर किया, मीटर्स में। अब व्हाट यू कैन सी, यहाँ पे जो मीटर पर सेकंड है ना, देखिए अगर मैं इसको मेजर करती हूँ, टाइम है या टेम्परेचर है, तो मैं टेम्परेचर की जो यूनिट्स होती हैं, कैलोरी ले लिया, डिग्री सेल्सियस में ले लिया, फ़ारेनहाइट में ले लिया, किसी भी चीज में ले सकती हूँ, लेकिन एक यूनिट होगी। अगर मैं मुझे टाइम को मेजर करना है, तो मैं आवर्स में भी कैलकुलेट कर सकती हूँ, ठीक है, सेकेंड्स में भी कर सकती हूँ, मिनट्स में भी कर सकती हूँ, लेकिन एक यूनिट के साथ। बट जब बात हम करते हैं स्पीड की या फिर इनमें से किसी चीज की, जो कि डिराइव क्वांटिटीज होते हैं, तो उस टाइम पे आप जब स्पीड कैलकुलेट करेंगे, तो आपने उसकी यूनिट क्या लिखी, मीटर और सेकेंड। इसको मीटर पर सेकेंड पढ़ते हैं, बट यहाँ पे मीटर जो है ना वो एक अलग यूनिट है, और जो सेकेंड है वो एक अलग यूनिट है। सो इसे पता चल रहा होगा आपको, मे भी समझ में आ रहा हो कि जो डिराइव यूनिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, जो किसी चीज के ऊपर, किसी चीज के नहीं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे, दो या दो से ज्यादा की उसकी जब हम मेजरमेंट लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की, तो उनके ऊपर डिपेंड करती है, उसे हम डिराइव यूनिट्स या डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। अब जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो 7 होती है, और प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है। कैसे, इनका क्या यूज है और किस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं, अभी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन जो डिराइव क्वांटिटीज होती हैं वो बेसिकली जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है, जो बेसिक 7 है, जो फंडामेंटल यूनिट्स है, बेसिक टोटल 7 है, इसमें 2 और एड हो गई थी जिसको हम सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं,
लेकिन जो डायरेक्ट क्वांटिटीज हैं इन शॉर्ट वो इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करती है जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस था। इसमें क्या होता है, आपके पास क्वेश्चन किस तरीके से आता है, आपको क्वांटिटीज दे दी जाएंगी, उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि ये फंडामेंटल है या डिराइव क्वांटिटी है, और इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं या फिर इससे अलग भी पैटर्न होता है। इसके अलावा ना, जो मैं आपको अभी थ्योरी में डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसके अलावा मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें से न्यूमेरिकल्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जाम पैटर्न का थोड़ा सा आइडिया लगेगा। अब ये जो है, ये तो था डिफरेंस फिजिकल क्वांटिटीज में, फंडामेंटल और डिराइव में। इसके बाद में हमारे पास एक टर्म आती है एसआई सिस्टम। क्या होता है एसआई सिस्टम? अब जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब जैसे कि आपको बताया कि पहले के टाइम पे ना हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, मतलब जो ट्रेडिंग होती थी वो इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, व्यापार के लिए हम लोग बाहर नहीं जाते थे, जो जहाँ है वो वहीं पे ही अपना जो भी काम करता है, व्यापार करता है, ट्रेडिंग करता है, तो वो वहीं तक लिमिटेड था, एक जगह तक रिस्ट्रिक्शंस थी कि हाँ यहाँ तक हमारा है, जैसे इतना एरिया है तो उसी पोर्शन में ही वो था। तो उससे क्या होता था कि जो आसपास के लोग थे उन्हें तो पता था कि हम किसी चीज़ को कैसे मेजर कर रहे हैं या जो भी चीज़ का मोल भाव हो रहा है वो किस अकॉर्डिंग हो रहा है। लेकिन जब इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे अच्छे बनने लगे, हम यहाँ से इंडिया से दूसरी कंट्रीज में या फिर वो लोग यहाँ पे आकर अपनी चीज़ों को सेल करने लगे, चीज़ों को बताने लगे, एक्सप्रेस करने लगे, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो जिस देश की जो यूनिट्स थी, जो उनका वहाँ का मानना था कि इस चीज़ को नापने के लिए हम ऐसे वर्ड्स को यूज़ करेंगे, ये चीज़ों को हम ऐसे मेजर करेंगे, तो वो क्या है, उससे ना कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगे। कन्फ्यूजन क्रिएट मतलब अब जो हम बोलते हैं वो सिर्फ हमें समझ में आती है, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज होती है जो नेटिव लैंग्वेज होती है वो वहीं के लोग ज्यादा अच्छे से समझते हैं जो वहाँ के मूल निवासी होते हैं, अब कोई दूसरा होता है हमें उसको उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो सेम जो प्रॉब्लम थी ना, ये हमारी यूनिट्स के साथ में, कैसे कि जो हम यूनिट्स को मेजर करने के लिए यूज करने लगे, जो चीजें हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज करने लगे, तो वो सिर्फ हम तक ही लिमिटेड रहने लग गई थी। फिर जब हमने इंटरनेशनल ट्रेडिंग स्टार्ट करी तो वहां पे उस टाइम पे क्या होने लग गया था, दिक्कत हो गई थी। तो यहाँ पे जो है ना, आज मैं आपको सिस्टम ऑफ यूनिट्स करवाऊंगी जिसमें जो अदर कंट्रीज में क्या क्या सिस्टम को यूज करते थे उन सबका कॉम्बिनेशन करके, मतलब सबको, जैसे होता है ना कि साइंस में क्या होता है, आप किसी भी एक की बात को मान के ना सब कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए अगर आपको आपकी बात ठीक लगती है आपको उसको एक्सप्रेस करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है, कुछ लॉज होते हैं, कुछ थ्योरीज होती हैं, उसके बेसिस पे आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो क्या था, तो यूनिट्स में भी कुछ ऐसा ही सेम हुआ। अब जैसे देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या था, ये कुछ यूनिट्स हैं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अदर कंट्रीज में यूज होती थी, जैसे कि FPS, CGS और MKS। ये जो है ना FPS, ये ब्रिटिश सिस्टम था, इसके बाद में CGS आया, ये फ्रेंच सिस्टम है, इसके अलावा जो इंडिया में था वो MKS सिस्टम था। अब इसमें क्या क्या होता है, हम बेसिकली तीन चीजों को इंपॉर्टेंट मानते हैं, जैसे कि लेंथ है, मास है या फिर टाइम है। लेंथ का मतलब किसी चीज की लंबाई हो गई, मास उसका द्रव्यमान हो गया, टाइम उसका समय हो गया। तो इसकी जो मेजरमेंट थी वो किस तरीके से थी, देखिए जो ब्रिटिशर्स थे उनके लिए FPS सिस्टम था। F का मतलब क्या होता है, फुट, और P मतलब पाउंड या फिर पौंड हिंदी में कहते हैं। उसके अलावा S का मतलब हो गया टाइम, जिसको हम सेकेंड्स में मेजर करते हैं। तो जो सेकेंड्स वाला है, मतलब कि जो S है ना, ये तीनों जगह पे सेम ही था, मतलब इसमें जो टाइम था ना उसको मेजर किस में करे थे, सेकेंड्स में मेजर करे थे। इसके अलावा जो लेंथ थी वो FPS के अकॉर्डिंग फुट, और CGS के अकॉर्डिंग सेंटीमीटर में, और MKS के अकॉर्डिंग वो किस में थी, मीटर्स में। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मास। मास पी का मतलब पाउंड हो गया, और पौंड जी का मतलब ग्राम्स में हो गया, और के का मतलब किस में हो गया, केजी में, मतलब कि किलोग्राम में। तो ये कुछ यूनिट्स ही जैसे सिस्टम है, ये पता होना चाहिए आपको FPS, CGS और MKS, इसके फुल फॉर्म यहां से जो इसमें लिखा है ना, CGS सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम्स, एस मतलब सेकेंड्स, तो ये यहीं से समझ में आ जाएगा आपको। अब ये जो सारी कन्फ्यूजन थी ना, इस सारी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि इससे मतलब थोड़ा रिलीफ मिले और अच्छा हो, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेडिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है इकोनॉमिकली, और मतलब हम इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हमारे पास एक यूनिट्स आती हैं, एसआई यूनिट्स, ठीक है। एसआई यूनिट्स का क्या मतलब होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब नाम से क्लियर है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। जब हम इंटरनेशनली किसी चीज़ की बात करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी कंट्रीज ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाती है। अब इसमें जैसे देखिए एसआई यूनिट की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बट
कुछ बहुत सुपर इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो ये चीज सोचेंगे भी और सोचनी भी चाहिए कि ऐसा यूनिट जब मैंने लिखा है तो एस पहले आया आई बाद में आया, लेकिन जब मैंने इसकी फुल फॉर्म आपको बताई तो क्या बोला, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ये ऐसा यूनिट वर्ड जो है ना ये आपका फ्रेंच से आया था, उस टाइम पे इसका नाम था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल दी यूनाइट्स, ठीक है, लेकिन ये इतना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था इसलिए इसको इन शॉर्ट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोल दिया गया, जिसमें हम आई पहले ले लेते हैं, अदरवाइज इसमें एस पहले था, सिस्टम है इंटरनेशनल दी यूनिट्स, ठीक है। अब ये जो एसआई यूनिट है ये क्या है, ये सिस्टम क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये ऑल ओवर एक मैट्रिक सिस्टम है जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल निकला हमारे लिए, ठीक है। और ये जो है ना सिस्टम ये एमकेएस से ही एक तरीके से डिराइव्ड है, तब जो इंडिया में सिस्टम था मास केजी और सेकंड से। अब इसमें देखिए क्या होता क्या है, जो एसआई सिस्टम है ना एसआई यूनिट्स है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स मतलब कि जो मूल मात्र प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है उसमें 2 एंगल्स आते हैं उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। अभी पहले आप 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, जो कि मूल राशि होती है और उनके मात्रक, ये जो टेबल है ना थोड़ी गंदी सी बनाई है बट कुछ ऐसा ही है, मूल राशियां हैं और उनके मात्रक है। अब यहाँ पे जो टर्म्स है ना जिसमें मैंने नंबरिंग करी हुई है ये क्या है, क्वांटिटीज है, उसके साइड में सिंबल है और यहाँ पे क्या चीज है इसकी यूनिट्स है। एक बार मैं साइड वाले को रब कर दूं। अब देखिए जैसे हमारे पास जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मूल राशि और उनके मात्रक, तो उसमें क्या क्या क्वांटिटीज है, फर्स्ट है लेंथ, सेकंड है मास, थर्ड है टाइम, फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर आप दोनों कह सकते हैं, सिक्स नंबर पे है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सेवन नंबर पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब एक बार हिंदी में देखिए, लेंथ का मतलब क्या हो गया, किसी चीज की लंबाई, मास मतलब उसका द्रव्यमान, टाइम मतलब समय जो कि किसमें कैलकुलेट करेंगे हम, सेकेंड्स में। अभी मैं पहले आपको क्वांटिटीज बताती हूँ उसके बाद में यूनिट्स डिस्कस करेंगे एंड देन लास्ट वन इज सिंबल्स। अब लेंथ लंबाई द्रव्यमान समय, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, विद्युत धारा भी हो सकती है विद्युत ऊर्जा भी हो सकती है, दोनों आप इसमें ले सकते हैं। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर में देखिए, जो थर्मोडायनामिक वर्ड है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है, अदरवाइज आप इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं, टेम्परेचर इसका मतलब होता है तापमान। इसके बाद में नेक्स्ट आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको ज्योति तीव्रता कहते हैं। ये जो टॉपिक्स है ना, ये जो यूनिट्स है, इसमें से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन शायद से ल्यूमिनस इंटेंसिटी पे ही होगी, बट डोंट वरी, अगर आपको चाहिए तो मैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी और इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये जो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो थोड़े से कंफ्यूजन होते हैं टफ लगते हैं, इनके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगी, अगर आपको चाहिए तो प्लीज मुझे कॉमेंट करिएगा। इसके बाद में इसे कहते हैं ज्योति तीव्रता। नेक्स्ट 7th नंबर पे आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी जो सब्सटेंस है उसकी जो कैलकुलेशन होती है, बेसिकली केमिस्ट्री में हम लेते हैं। अब देखिए जो आपके पास क्वांटिटीज हैं, ये जो 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं, इनकी यूनिट्स आपको गिवन है, जैसे लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या है मीटर, और इसका सिंबल क्या होता है एम, स्मॉल एम से इसको डिनोट करते हैं। इसके बाद में मास आता है, मास की जो यूनिट है वो क्या है केजी, अब इसको जो डिनोट करेंगे वो क्या होगा सिंबल इसका केजी, केजी का मतलब हो गया किलोग्राम्स, आप यहाँ पे पूरा भी लिख सकते हैं। इसके बाद में टाइम आता है, टाइम को सेकेंड्स में लेते हैं, जो इसकी यूनिट होती है वो सेकेंड्स होता है, उसका सिंबल क्या होता है स्मॉल एस। अब ये जो तीनों यूनिट्स है ये किसमें मैंने लिए है स्मॉल लेटर्स में, लेकिन नेक्स्ट यूनिट आपको दिखाई दे रही होगी मैंने कैपिटल लेटर में लिख दिया है जो इसका सिंबल है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत ऊर्जा या विद्युत धारा, इसको आप एम्पियर में मेजर करते हैं और इसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल ए है। इसके बाद में है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब तापमान, इसको आप केल्विन में मेजर करते हैं और इसकी जो यूनिट है या सिंबल है वो क्या है के है। अब यहाँ पे मैंने ए और के जो है ना वो कैपिटल लेटर्स में लिखा है, इसकी वजह यही है कि जो यूनिट्स या जो भी सिंबल्स होते हैं, जो यूनिट्स किसी साइंटिस्ट के मतलब जिस साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया उसके बारे में बताया उनके नाम पे रखी जाती है, तो उन यूनिट्स को हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। तो यहाँ पे जो ये है ना दो यूनिट्स एम्पियर और केल्विन, ये इनके साइंटिस्ट पे नाम पे हैं, तो इसलिए इसको ए और के को हमने किस में लिखा है कैपिटल लेटर्स में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसका सिंबल कैपिटल में आएगा और ये ऊपर वाले जो तीन है इनका सिंबल स्मॉल लेटर्स में आएगा। उसके अलावा जो टेम्परेचर है जिसे हम केल्विन में मेजर करते हैं, टेम्परेचर को फारेनहाइट में भी मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस में भी आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको ज्योति तीव्रता कहते हैं, इसकी जो यूनिट है वो है कैंडेला और इसको सीडी से डिनोट करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस टाइम पे ये डिस्कवर हुआ था तो उस टाइम पे ना लाइट की इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं थी, कैंडल यूज करके ये जो थ्योरीज थी एक मतलब जो स्टडी टाइम था वो ज्यादातर मोस्टली कैंडल यूज करके किया जाता था, इसलिए इसका नाम ऐसे ही जो इसकी यूनिट है वो कैंडेला पड़ गई है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
तो ये चीज जो होती है इसकी यूनिट होती है MOLE मोल, और इसका जो सिंबल होता है उसको MOL से आप डिनोट करते हैं। तो ये कुछ बेसिक 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी मूल राशियां और उनके सिंबल से, एग्जाम पॉइंट ऑफ से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद ना क्या होता है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं इसके बाद में दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स आती हैं आपके पास, दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब ये क्यों आई क्वेश्चन है ना, क्यों आई? सो जो 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास थी, तो उसके बाद में भी ना रिसर्च जैसे जारी रहती है। अभी जो क्या है, हमारी पीरियोडिक टेबल है आवर्त सारणी, उसमें इतने सारे एलिमेंट्स हैं, उसके बाद भी अभी भी ढूंढा जा रहा है ना, और एलिमेंट्स को भी उसमें एडजस्ट किया जा रहा है। तो सेम ऐसे ही जब हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, उसके बाद में और रिसर्च के बाद में दो यूनिट्स और आ गए, लेकिन उसको इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में ना ऐड करके अलग से ऐड कर दिया, जो कि सप्लीमेंट्री पार्ट था, एक्स्ट्रा में डाल दी। ठीक है, तो ये जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है आपके पास दो आती है, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है प्लेन एंगल, ठीक है, और एक है सॉलिड एंगल, ठोस कोण। ये जो दो यूनिट्स है ना गाइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल भी आता है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी आता है, प्लस इसमें डायमेंशंस विमाएं वाला पोर्शन भी ऐड हो जाता है। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको ये जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, जो मैंने यहाँ पे सप्लीमेंट्री यूनिट्स लिखे है, इनके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी विद न्यूमेरिकल्स। उसके अलावा जो मैंने टॉपिक्स अभी आपको पढ़ाए हैं उसके ऊपर प्रीवियस ईयर के कैसे क्वेश्चन थे या एग्जाम में इन क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा था, उसके लिए भी मैं एक जल्दी वीडियो लेकर आऊंगी। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल जो अभी वीडियो देख रहे हैं अगर वो चैनल पे नया और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।